अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान, नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पुराने शहर में कम कीमत पर कुर्बानी का हिस्सा फरोख्त करने के नाम पर हजारों मुस्लिम अफराद को धोखा देने वाले खिदमत फाउंडेशन के 3 धोखेबाजों को हबीब नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से रकम बरामद कर ली। वाज़ेह है कि इन धोखेबाजों ने हजारों मासूम अफराद से 2 करोड़ रुपए जमा करके ईद उल अजहा से आइन कबल फरार हो गए थे। धोखाधही का यह वाकया ईद उल अजहा के दिन उस वक्त पेश आया जब कुर्बानी का हिस्सा बुक करवाने वाले अफराद के घर कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचा। कुर्बानी का गोश्त घर न पहुंचने पर लोगों ने इन धोखेबाजों से राब्ता करने की कोशिश की तो तमाम अफराद के फोन बंद बता रहे थे। मुतासर अफराद ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज की थी। हबीब नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया था और 3 धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम नंबर 1 मोहम्मद नासिर साकिन चंदुलाल बारादरी, मुलजिम नंबर 2 मोहम्मद जफर अहमद सन सिटी बंडलागुड़ा जागीर और मुलजिम नंबर 3 मोहम्मद अशफाक साकिन सन सिटी बंडलागुड़ा जागीर शामिल हैं। पुलिस ने इन तीनों के पास से 23 लाख रुपए, 1 लैपटॉप और 3 सेल फोन भी जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक निसार अहमद ने खिदमत फाउंडेशन कायम की थी। इन धोखेबाजों ने 4 साल तक समाजी खिदमत अंजाम देते हुए अवाम में जगह बना ली थी और ईद उल अजहा के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में कुर्बानी के हिस्सों के काउंटर बनाए और फी हिस्सा 2,800 रुपए में फरोख्त करने का वादा करते हुए मासूम लोगों से रकम इकट्ठी करके फरार हो गए थे। ये जून महीने में 17th एक कंप्लेंट आया नाइट 9 o'clock टाइम में। वो कंप्लेंट में क्या है बोल के, तो ये बकरीद फेस्टिवल टाइम में पूरा ये मुस्लिम कम्युनिटी पूरा ये पूरा भाई लोग क्या करते पूरा ये कुर्बानी करके वो उनका रिलेटिव्स को उनका फ्रेंड्स को थोड़ा हिसाब देते ना, वो हिसाब देने के टाइम में उन्होंने थोड़ा ओल्ड पीपल एंड पुअर पीपल क्या बोल के जाके मार्केट जाके वो लेके कट करना थोड़ा मुश्किल है बोल के एक ये लोग ये खिदमत फाउंडेशन बोल के ये लोग लास्ट ईयर भी करे ऐसा एक हिसाब को 2800 दिए तो वो लोग जा ला के मटन देते ऐसा वो लोग पूरा ये हमारा मल्लेपल्ली एरिया में तरह ओल्ड सिटी में सब एरियाज में पूरा ये लोग से ऐसा मनी कलेक्ट करे। वो बकरीद टाइम में वो उन्होंने पैसा दिया 10 यूनिट बुक करे तो 28,000 देना, 28,000 को 10 यूनिट्स लाके मटन देते उनको, वो लोग को बांट लेते पूरा ऐसा। ये लास्ट ईयर उन्होंने लोग अच्छा करे, ये दिस ईयर भी ऐसा अच्छा करते बोल के पूरा पब्लिक ये लोग से पैसा दिया। लास्ट फेस्टिवल से 1 वीक पहले से उन्होंने पहला मनी कलेक्ट करे, वो मनी पूरा नियरली 2179 यूनिट्स उसको मनी ईच यूनिट को 2800 हिसाब से टोटल सिटी में कलेक्ट करे ऐसा। हमारा मल्लेपल्ली एरिया में 421 यूनिट्स का मनी कलेक्ट करे। मनी कलेक्ट करने के बाद वो लोग पूरा पैसा दिए ना, वो लोग बकरीद का डे में पूरा दे के मॉर्निंग इवनिंग तक दे के वो लोग ला के मटन देते बोल के नहीं दिया तो आके पुलिस में कंप्लेंट दिया। इमीडिएटली FIR करके वो इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अभी 3 आदमी पकड़ के लाया, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद जाफर अहमद एंड मोहम्मद अशफाक। ये तीनों क्या करें, एक ये फाउंडेशन बोल के एक रजिस्टर नाम पे एक ये भी फेक है, पूरा फेक डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके हमारा पूरा पुअर पीपल ओल्ड एज पीपल को मैं हेल्प करता हूँ एट द टाइम ऑफ ये बकरीद टाइम में बोल के मनी कलेक्ट करें। वो लोग वो दिन क्या करें, ओनली 500 हिसाब से उन्होंने दिया एंटायर टाउन में, टोटल 2179 बुक करे तो इवन 1500 नहीं दिया, वो पैसा वो लोग रख लिया, वैसा चीटिंग करे। कंप्लेंट आया तो इमीडिएटली FIR करे, अभी ये तीनों को अरेस्ट करे, अभी टोटल 23 लाख मनी अभी रिकवरी करे। अभी ये पूरा ये हमारा एरिया में पूरा पब्लिक कौन कौन दिया वो भी लिस्ट है उनके पास, वो लिस्ट भी अभी कोर्ट के सामने रख रहे, उनका कन्फेशन में पूरा मनी भी रिकवर करे। अभी ये लोग को पूरा आज कोर्ट में प्रोड्यूस करे टोटल अमाउंट उनका लैपटॉप में पूरा ये हिसाब करे तो 61,96,000 वसूल करे ये लोग पूरा एज पर रिकॉर्ड। मरी और है तो हो सकते भी उसमें बोली ये लोग 500 पीपल का 500 यूनिट्स मैंने मटन दिया, दूसरा नहीं दिया, बाकी का क्या करें, हमारे एरिया में पूरा करे, दूसरा एरिया तो वो लोग पुलिस कस्टडी लेके वो लोग FIR करके उधर टोटल उसमें नसीब। ये फ्रॉड करने की वजह क्या है सर, मतलब आविश्लाइज लोग थर्ड ईयर में वो लोग चीटिंग करे, चीटिंग खर्च करे थोड़ा बस में पैसा खर्च करे थोड़ा पैसा बचाने के वास्ते पूरा चीटिंग है, पूरा पैसा बचाए तो बाद में कुछ उन्होंने लाइफ एंजॉय कर सकते हैं पूरा, उसमें कुछ फैमिली का पैसा उनका घर में रखे थोड़ा पैसा बैंक में रखे पूरा रिकवरी करे। इन लोग का बैकग्राउंड ये नजीर है तो LED वर्क काम करते हैं उन्होंने, ये प्राइवेट एम्प्लॉय है मोहम्मद जाफर अहमद, प्राइवेट एम्प्लॉय है PNT काल में उन्होंने रहते
और ये मोहम्मद अशफाक क्या करते हैं, कैब ड्राइवर है सर। आप टोटल हुए पुलिस कस्टडी में लेना पड़ता, हमारा केसेस में पूरा करे, दूसरा भी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे, वो लोग केस करते हैं, उन्हें ड्राइव करके पैसे निकाल देते। रियासती तालीम आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मेगा डीएससी का इनेकाद करें जो रियासत अमरावती में मखलूत हुकूमत के क्याम के बाद इंतहाई वखार के साथ मुनक्किद किया जा रहा, बगैर किसी तनकीद के शफाफ तरीके से मुनक्किद किया जाए। वजीर लोकेश ने स्कूली तालीम के अहदेदारों के साथ जज और मेगा डीएससी के इंतजाम का जायजा लिया। पुलिस कांस्टेबल यादव्या वेंकट रेड्डी और शिवा ने दो लड़कों कार्तिक 6 साल और 4 साल को बचाया जब राजेंद्र नगर ट्रैफिक के सामने एक ऑटो वाले ने उन्हें ले जाने की कोशिश की और पुलिस को देखकर वो भाग गया। जबकि पीसी यादव्या वेंकट रेड्डी और शिवा पुलिस के बाहर थे और ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन ने शमसाबाद हुडा कॉलोनी झोंपड़ियों के बच्चों के बारे में दरियाफ्त किया। खेलने के लिए वो शाम गए हुए थे और शमसाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और अचानक ट्रेन पकड़कर बडवेली रवाई स्टेशन पर उतरे और वहां पर वालिदैन को व्हाट्सएप के जरिए मतला किया और उन्होंने शनाख्त करके अपने वालिदा के हवाले कर दिया। स्किल्स डेवलपमेंट हब का इफ्तिताह आज के मसाबिखती मंजरनामे में तरक्की के मनाजिल तय करने के लिए जरूरी हुनर और तालीम के साथ नौजवानों को बाख्तियार बनाने की जानिब एक उम्मीद अफजा कदम है। PSF, SEED और HHF तंजीमों के इज्तमाई कोशिशों से ये मरकज कौम की तरक्की का संग बुनियाद और आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद की किरण बनने के लिए तैयार है। मेहदी पटनम हैदराबाद पर मुनक़दा स्किल्स डेवलपमेंट हब की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मुकर्ररीन ने इन ख्यालात का इजहार किया है। स्किल्स डेवलपमेंट हब के मुताबिक प्रोफेशनल्स और सोलिडरिटी फोरम के जरिए इंतजाम और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के साथ सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए अहतमाम ये इकदाम कम्युनिटी को बाख्तियार बनाने और तालीमी मैदान में एक अहम संगे मील साबित होगा। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के मेरहामा इलाके में एक बिजली के खंभे से हाई वोल्ट बिजली का करंट लगने से 2 मवेशियों की मौत हो गई। जराये ने बताया कि कुलगाम के मेरहामा इलाके में 2 कीमती दूध देने वाली गायें बिजली का करंट लगने से हलाक हो गई जिससे मालिकान को काफी नुकसान पहुंचा। इस बदकिस्मत वाक़े ने मुकामी लोगों में नाराजगी की लहर दौड़ा दी है क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने मुतअद्दिद मौके पर नाकिस इलेक्ट्रिक पोल के बारे में हुकाम को आगाह किया है लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। करंट लाइट इन बिजली वाले गो वह करंट तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट के लिए 4 नए एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तकर्रुर किया है। इस सिलसिले में महकमे कानून के सेक्रेटरी आर तिरुपति ने अहकाम जारी कर दिए। हुकूमत ने जिन विकला को एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्र किया उनमें सैयद यासर मामून, एम रामचंद्र रेड्डी, वी जितेंद्र राव और डी अरुण कुमार शामिल है। उनके अहदों की मियाद 3 साल की रहेगी। सीबीआई के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर चाडा वेंकट रेड्डी, सीबीआई के रियासती सेक्रेटरी ईटी नरसिम्हा, सीपीआई राष्ट्र समिति के अरकान रामावत, तंजैया नायक, एआईएसएफ के रियासती सदर सेक्रेटरी मणिकांता रेड्डी, कोटा लक्ष्मण तेलंगाना ने सीबीआई के साबिक कौमी सेक्रेटरी नीलम राजशेखर रेड्डी की पैदाइश पर उनकी तस्वीर पर गुलहाय अकीदत पेश किया और हिमायत नगर में सीबीआई के रियासती दफ्तर में दलित हकूक की जद्दोजहद के रियासती सेक्रेटरी अनिल कुमार, एआईएसएफ के रहनुमा विकृति राघव बोया, श्री रामलू, राजेंद्र नरसिम्हा, सुरेंद्र संदीप और दीगर ने इसमें शिरकत की। राष्ट्र नीचे जातीय स्थाई जातीय कार्यदर्शि बाध्यता निर्वर्तार इंटरनेशनल डिपार्टमेंट अटे अंतर्जातीय कम्यूनिस्ट उद्यम तो अपरगनी संबंध कम्यूनिस्ट उद्यम व्याप्ति की మరి విశేష కృషి చేశారు ఆయన మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి కామ్రేడ్స్ అందరినీ సుశిక్తం చేయడానికి మార్క్సిజం సిద్ధాంతాన్ని అలాగే మరి చట్టాలని అన్నిటిని కూడా ఆకలింపు చేసుకోవడానికి శిక్షణా శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి 15 రోజులు 4 రోజులు 3 నెలల శిక్షణా శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి మరి కార్యకర్తలని కార్యోన్ముఖం చేయడానికి విశేష కృషి చేశారు అందులో ఈయన నీలం సంజీవరెడ్డి గారి తమ్ముడైనా కూడా ఆయన రాష్ట్రపతి వారికి ఎదిగినా ఈయన నమ్ముకున్న కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాన్ని తుదికంట తుది విశ్వాస కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేయడానికి విశేష కృషి చేశారు. ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేకున్నా సహకరించకున్నా నిరంతరం మరి అన్వేషి నిరంతర
मरी सिद्धांत व्याप्ति कृषि मंत्री उत्तम कम्यूनिस्ट नायक नील राजशेखर रेड्डी गारु वो मैं निजा वो विचिपेपेट आशा लक्ष्या पूर्ति चाहिए बाध्यता मन अंदर पैन निरंतर शिक्षण शिबिरा जरगा आये को आ शिक्षण शिबिरा जरपे मन भविष्य में कार्याचरण पुद्धा अवसर आशावाद व्यक्तम वारी निवास्तु वशा कोई पद्धत अभिनंदन सर। बीआरएस के कायद और तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस एतमाद का इजहार किया है कि बीआरएस पार्टी इस बार तेलंगाना में दोबारा इख्तदार में आएगी और मजीद 15 साल इख्तदार में रहेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की एक खसूसियत है कि एक बार वो इख्तदार में आते हैं वो पागलपन करते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि आवाम को उनका बुरा लगे। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में एनटीआर की हुक्मरानी के बाद दोबारा ऐसा ही हुआ। रियासत तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के जेडपी चेयरमैन के साथ एरावली के जरिए मैदान में एक मुबाशरत मीटिंग हुई। इस मौके पर केसीआर ने कहा है कि बीआरएस हुकूमत में तमाम जेडपी चेयरमैनों ने रियासत की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। आदिलाबाद रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने मशवरा दिया है कि हर किसी को पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। वाना महाउत्सव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद जिले मुस्तकिम में वाकई रिम्स मेडिकल कॉलेज के इहाते में वाना महाउत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर संजय सिंह राठौड़ ने मेडिकल अफसरान के हमरा बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। रिम्स हॉस्पिटल के अमले और मेडिकल के तलबा ने बड़े पैमाने पर पौधे लगाए। इस मौके पर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने कहा है कि इंसानों के सेहतमंद रहने और जिंदा रहने के लिए और माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ने से बचाने के लिए दरख्तों की बहुत जरूरत है। निन्ना रिम्स हॉस्पिटल डॉक्टर डे जरूर डॉक्टर डे सदर्भंग मूड प्रोग्रम मेमू नंबर वन डॉक्टर डे नंबर टू ब्लड डोनेशन कैंप नंबर थ्री वन महोत्सव सो नि लैकअप टाइम वाल प्लांट चेयलेम रिम्स हास्पिटल कहीं वे प्लांट मतलब मकमे बेटा डिडना अंदर प्रति डिपार्टेंट को प्रति डिपार्टेंट हेचओडी याबे प्लांट वेय सो रिम्स टोटल 21 डिपार्टेंट्स उवंटी वन इंटू 50 प्लांट्स सो अटीस्ट 1000 प्लांट्स रिम्स मे प्लांट चेयर मोने स्टेट ग्रीन चाप अवार्ड रिम्स को एंकंटे इवीं ग्रीन उल्ल हास्पिटल मेटीन वाला नीट वाला सो अदे अदुसार फैकल्टी चर्च मीटी डाक्टर डे सदर्भ में वे प्लांट प्लांट सदर्भ में अराउंड 200 प्लांट्स प्लांसा नैन ना तो ना फैकल्टीस सीनियर प्रोफेसर्स सूपरिटेंडेंट्स वाइस प्रिंसिपल्स अदर सीनियर प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स आउजीपी अंदर तलोक प्लांट नाटो वाल बाध्यता अपग्चा एवरते प्लांटारो आ प्लांट वाले ट्री गार्ड पेटाली वाल नेम पेटी वाले रक्षा एव्री वीक मैं सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमलत तन की इंचार्ज इच्छा रिम्स मोत्तम ग्रीनर तो उंडालनि कोरुकुंटू ई रोज प्लांटेशन चेयडं संतोषकदायकमैन विषयं। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड सीएमआरएफ के लिए दरख्वास्तें अब से ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। ये फैसला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक किया गया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इस फंड्स का शफाफ तरीके से इंतजाम किया जाए। इसके लिए सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के जरिए अहतमाम एक वेबसाइट बनाई गई है। सीएम रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरियट में इस वेबसाइट का आगाज किया है। ये पॉलिसी पिछली हुकूमत के दौरान सीएमआरएफ फंड्स को मोड़ने के पसे मंजर में तैयार की गई थी। कबलजे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की दरख्वास्तों को इस वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। एमएलए और एमएलसी को सीएमआरएफ के लिए उनके पास आने वालों की तफसीलात के साथ अपना सिफारिशी खत अपलोड करना होगा। दरख्वास्त में मुतल्लिका दरख्वास्त दहिंदगान का बैंक अकाउंट नंबर जरूर दिया जाए। एमएलए गोंडू शंकर ने हुकाम से कहा है कि वो शहर को मसाइल से पाक खूबसूरत श्रीकाकुलम बनाने में ताउन करें। उन्होंने सिटी इंतजामिया के दफ्तर में अहदेदारों के साथ जायजा लिया है। उन्होंने शहर में सफाई के इंतजाम पीने के पानी की फराहमी और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया और यहां पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की नाकाम मुकम्मल तामीर के हवाले से दोबारा तखमीना तैयार करने देने का हुक्म दिया गया। अहदेदारों से मुतालबा किया गया कि वो खलूस नीयत से काम करें।
ఈరోజు శ్రీకాకుళం నగరపాలక సంస్థలో అన్ని విభాగాల అధిపతులతోటి సిబ్బందితోటి అన్ని విషయాలపైన కూలంకషంగా చర్చించడం జరిగింది. దాని మీద వారు కొన్ని సూచనలు కూడా మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ సూచనల్ని తూచా తప్పకుండా మేము ఫాలో అవుతామని గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి హామీ ఇస్తూ అందరికీ నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు శ్రీకాకుళం నగర కార్పొరేషన్ రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. దీంట్లో పలు అంశాలు చర్చ జరిగింది. ఇన్ఛార్జ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గారు ఎంఓ గారు శ్రీ గంగాధర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అలాగే అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గారు ఇతరుల అధికారులు మున్సిపల్ నగర కార్పొరేషన్ సిబ్బంది సమక్షంలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో ఈరోజు రివ్యూ జరిగింది. దీనిపైన అలాగే మెప్మా పీడీ గారు కిరణ్ గారు అందరూ హాజరయ్యారు. పిడికో ఇల్లు పైన అలాగే పట్టణంలో పారిశుద్ధ్యం పైన సీజనల్ వ్యాధులు వస్తున్నాయి కనుక దానిపైన మున్సిపల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ గారు కూడా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. రేపటి నుండి 1 వీక్ పెద్ద ఎత్తున క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ కార్యక్రమం చేపట్టి నగరం మొత్తం పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టి అలాగే ప్రధాన ఎక్కడైతే ఎంట్రన్స్ పాయింట్స్ ఉంటాయో నగరం కార్పొరేషన్ అన్ని దగ్గరలు కూడా అవి కూడా శుద్ధి చేస్తూ అలాగే అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు పైన కానీ మెర్జింగ్ 7 పంచాయతీస్ మెర్జింగ్ ఇష్యూస్లో కానీ ఎనీ లీగల్ ఇష్యూస్లో కానీ అలాగే ఏవైతే పెండింగ్ పనులు కాంట్రాక్టులు అవార్డ్ అయ్యి కూడా పనులు అవ్వలేదు దానిపైన అలాగే రేపు అతి త్వరలో స్టార్ట్ అవ్వబోయే అన్నా క్యాంటీన్ల పైన అన్నింటిపైన కూలంకషంగా చర్చ జరిగింది. చాలా వరకు కొన్ని ఇష్యూస్ మీద ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. వీటన్నింటిపైన మళ్ళీ త్వరలో ఇంకొక 1 వీక్లో మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ మీటింగ్లో కేంద్ర మంత్రివర్యులు స్థానిక ఎంపీ కింద్రాపు రామ్మోహన్ నాయుడు గారు అలాగే జిల్లా నుండి రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ కింద్రాపు అచ్చెన్నాయుడు గారు కూడా హాజరవబోతున్నారు. మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్లో ఎన్నికలు అవ్వలేదు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నో పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అలాగే పడిపోయి ఉన్నాయి. ఓ పక్క ట్రాఫిక్ సమస్య, ఓ పక్క త్రాగునీటి సమస్య, ఓ పక్క మురుగునీటి సమస్య, ఇంకో పక్క స్టేడియం అలాగే ఉండిపోయింది. అలాగే పాలకొండ రోడ్డు కూడా వైడనింగ్ అవ్వకుండా అది కూడా అక్కడ ఉండిపోయిన పరిస్థితి, రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళే రోడ్డు. వీటన్నిటిపైన కూలంకషంగా చర్చ జరిగింది. దీనికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి ఏవైతే పెండింగ్ పనులు ఉన్నాయో అంజుమన్ తాజరాన ఖాజేగుండ్ కి మీటింగ్ హుయి జిస్మే తమామ్ దుకాందారో నే షిర్కత్ కి ఔర్ తజారత్ ఔర్ ఇంతఖాబాత్ సే మత్తలిక్ మసాయిల్ పర్ తబాదలా ఖయాల్ కి ఔర్ తమామ్ తాజరో నే చైర్మన్ సే దర్ఖాస్త్ కి హై కి వో ఆయిందా ఇత్తలా తక్ మున్తఖబ్ ఇదారో కో తహ్లీల్ కర్ దే. ఆర్సీ బునియాదో పర్ 5 మెంబరాన్ కా ఇంతఖాబ్ కియా గయా. జేరి సదారత్ చైర్మన్ ట్రేడ్ అసోసియేషన్ ఖాజేగుండ్ హాజీ గులాం మొహీదీన్ కి సదారత్ మే మునక్కద్ హుయి जिसमें जुमले मेंबरान ने इत्तेफाक राय से काफ़ी गौरखोज के बाद मेंबरान व चेयरमैन साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि जो मुकर्रर टाइम ट्रेड यूनियन का था वो मौरिख है मार्च 24 मार्च 2024 को 2 साल मुद्दत होने के बाद अब ख़त्म हो चुका है. यह ठीक है. लिहाजा बहुमी चेयरमैन साहब इमरोज यानी आज मौरिख है वो ट्रेड آز امروز گو از نا کڑکنے ڈیٹ یونین قاضی گون کو ڈیزالو کر دیا. عبوری صورت میں کمیٹی حضا کے ممبران بزیر ہیں. نمبر اک چیئرمین حاجی غلام محی الدین صاحب نمبر یہ گو چیئرمین ممبران حاجی عبدالغنی صاحب اپر بازار محمد شفیع صاحب وانی محمد خلیل صاحب پرے صاحب ارشاد احمد وگے صاحب عبدالسلام میر صاحب موجود ہیں. لہذا تمام ممبران نے اتفاق رائے
ये फैसला तस्लीम किया। जिले कुलगाम के देवसर में एक मेगा ब्लॉक दिवस एक शिकायत और अजाला प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अथर आमिर खान ने की और इसके साथ दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है, जिसमें एडीसी कुलगाम विकार अहमद गिरी, सीएमओ कुलगाम डॉक्टर सबवानी, चीफ प्लानिंग ऑफिसर जाहिर सज्जात, डीडीसी मेम्बरान देवसर रियाज अहमद और इश्तियाक अहमद शामिल थे। प्रोग्राम का मकसद मुकामी बाशिंदों की शिकायत का अजाला करना और उन्हें तमाम शिकायत को जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई गई। डिप्टी कमिश्नर अथर आमिर खान ने हाजिरी देने वाले अफसरान के हमरा आवाम के मसाइल को सरगर्मी से सुना और उनके मसाइल को बर वक्त अजाले की यकीन दहानी करवाई गई। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।